पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाइस मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास पास क्या सामान ऐसा है जिस सामान से हम एक ई बाइक या फिर इलेक्ट्रिक बाइक बना सकते हैं। लेकिन गाइस आज मैं कुछ आपको ऐसे मेरा एक बाइक का डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो को आप पूरा जब देखोगे ना तो एक चीज़ को आप समझ पाओगे कि हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे काम करने वाले हैं उसका जो 3D डायग्राम होता है, एक बेसिकली एक बाइक बनाएंगे तो बाइक का जो है 3D डायग्राम मैंने खुद बनाया हूँ, तो उसी डायग्राम को जो है ना मैं गाइस आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसका फ्रेम बनेगा, किस तरीके से उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा और किस तरीके से वो दिखेगा और वो बनने के बाद कैसे दिखता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा देखेंगे क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समझ में आ जाएगा कि तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है 3D स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने आपको शो कर रहा हूँ। तो गाइस ये जो गाड़ी है मैं आपको चारों तरफ से घुमा के भी दिखाने वाला हूँ कि गाइस देख सकते हो ये जो है हमारा मेटल के सीट्स जो होता है मेटल में हम किस तरीके से वेल्डिंग करके इसका बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं या फिर हमारा गाड़ी बनने के बाद किस तरीके से दिखने वाला है। जो गाइस आप यहाँ पे जो इस गाड़ी को देख रहे हो ना ये इसमें मेटल का यूज़ करेंगे और ये गाइस यहाँ पे एक हब मोटर लगेगा जो कि पहिए के बीच में होगा। और इसके साथ साथ गाइस और एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसका हैंडल जो है एक नॉर्मल बाइक से हैंडल ही लगाएंगे हम, एक जो कि कबाड़े में हमको आराम से मिल सकता है। और गाड़ी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और सीट हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ऊपर से दिखेगा कुछ ये इस टाइप से दिखने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल बाइक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिख रहा है। और उसका गाइस जो आगे का स्ट्रक्चर के बाद जो पीछे में जो सस्पेंशन लगाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो जो सस्पेंशन लगा हुआ है और जैसे कि है आपको यहाँ पे मैं बता दूँ इसके अंदर गाइस ये इलेक्ट्रिक बाइक है लेकिन इसके अंदर गाइस एक टंकी का भी यूज़ करने वाले हैं जिस टंकी के अंदर हम उसका कंट्रोलर को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गाड़ी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बने।